नमस्कार, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आई एम टीम इंडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी देश की राजधानी। दिल्ली के इतिहास में 12 दिसंबर की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान कोरोनेशन पार्क किंग्सवे कैंप में वायसराय निवास की नींव रखते हुए तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने घोषणा की थी कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। सन 1900 की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया था। सरकार ने आज के ही दिन समाप्त किए थे राजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 12 दिसंबर 1971 को देशी रियासतों के शासकों को मिलने वाले प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। देश की आजादी के बाद सरकार ने वचन दिया था कि देशी रियासतों के शासकों को परिवार, निजी स्टाफ और राजमहलों के रखरखाव के लिए सरकारी कोष से कुछ धनराशि दी जाएगी। इसी को प्रीवी पर्स का नाम दिया गया था। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। प्रीवी पर्स में दी जाने वाली धनराशि राजाओं की हैसियत के अनुसार अलग अलग थी। प्रीवी पर्स के तहत सबसे ज्यादा धनराशि मैसूर के राजा को दी जाती थी। मशहूर अभिनेता रजनीकांत का आज के दिन हुआ था जन्म। तमिल और हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत यानी शिवाजी राव गायकवाड़ का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में मराठी परिवार में हुआ था। उनका नाम मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवाजी राव रखा गया था। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले रजनीकांत बेंगलोर में बस कंडक्टर थे। 1975 में आई तमिल फिल्म अपूर्वा रागंगल से रजनीकांत ने डेब्यू किया था। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के निर्देशक के बालाचंदर को रजनीकांत अपना गुरु मानते हैं। रजनीकांत की खास शैली और डायलॉग बोलने का खास अंदाज उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण रहा है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का आज के दिन हुआ था निधन। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का 12 दिसंबर 1964 को निधन हो गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा मैथिली शरण गुप्त के काव्य के प्रथम गुण हैं। ये गुण उनकी रचनाओं पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित और प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष विज्ञानी गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा। 12 दिसंबर दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाई से सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग आसमानी बसंती, निषेध रंग पीला लाल। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार है। घर में अतिथि के आने के योग है। शुभ रंग सफेद नीला काला, निषेध रंग पीला सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा, निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। स्थानांतरण के योग हैं। आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग है। शुभ रंग काला सफेद, निषेध रंग हरा लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं की सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग काला, निषेध रंग लाल।
कन्या, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79% परिश्रम को बुद्धिकता का साथ मिलेगा। आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग नीला काला हरा, निषेध रंग लाल पीला सफेद। तुला, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे। ऑफिस घर सभी जगह आपके लिए सुखकारक होंगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग है, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद काला, निषेध रंग पीला गुलाबी। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्चे के योग है। शुभ रंग नारंगी, निषेध रंग भूरा। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। बाहरी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग है। शुभ रंग बसंती सिलेटी, निषेध रंग काही हरा। मकर, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है। डरे नहीं, अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। कैरियर में सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग नीला काला हरा, निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपके आध्यात्मिकता के भाग्य 80%। नौकरी पेशावर के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। कैरियर में अनुकूलता के योग है। शुभ रंग नीला काला हरा, निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। मीन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग है। शुभ रंग बसंती सिलेटी, निषेध रंग हरा जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए IMT मीडिया।